सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों एवं मां शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 187 और आज हमारे बीच में कनाडा से हैं डॉक्टर पाल मदान। इससे पूर्व भी आप एक विषय ले चुके हैं और उसका पार्ट टू है वे ऑफ मींस टू एंजॉय क्वालिटी लाइफ पार्ट टू लाफ्टर योगा, एक नई विधा है हमारे स्वाध्याय चिंतन की। अब हम निवेदन करते हैं श्री अश्विनी कुमार जी से कि वो दो शब्द आदरणीय डॉक्टर पाल मदान साहब के विषय में कहें। सादर प्रणाम। अब दो शब्द तो नहीं, मैं चार से ज्यादा शब्द कहना चाहूंगा। तो इसमें अब स्वाध्याय और चिंतन के चिंतन क्रम 187 में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आप सबके रूबरू होने का अवसर मिला, जिसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज का विषय जैसे उन्होंने बताया है, गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेने के तरीके और साधन भाग टू विच इज लाफ्टर योगा। भाग वन भी डॉक्टर पॉल मदान ने लिया था, जो इनका नाम पहले मैं सुन के कहता था बंगाली है या पंजाबी है, क्योंकि पॉल तो बंगाली हो गया, मदान पंजाबी हो गया। तो पर ये पंजाबी हैं अबोहर से और अभी हैं कनाडा में अपनी बिटिया के पास मस्ती कर रहे हैं। बेटे के पास। ओके। दोनों ही बाहर है ना आपके बच्चे? हाँ जी। तो आप वहां से, तो आज का विषय लाफ्टर योगा है, जिसमें डॉक्टर पाल मदान सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। इन्होंने सब कुछ होने के बावजूद, जानने के बावजूद भी सर्टिफाई लेना जरूरी समझा फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट विच इज लाफ्टर योगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रन बाय डॉक्टर मदन कटारिया। ये इंस्टीट्यूट उन्होंने पिछले 26 साल से शुरू की हुई है और अब ग्लोबली बड़ी रिनाउंड हो गई है। अब इसमें वैसे तो ये डॉक्टर साहब हमारे ग्रुप के काफी नए मेंबर हैं, मैं कहूंगा मेरे हिसाब से सबसे यंग मेंबर हैं, और इन्होंने अपने व्यवहार से अपने आप को इतना मिक्सअप कर लिया है कि ये रौनक बन गए ग्रुप की। और जब ये कनाडा गए तो हमारे जूम प्रोग्राम का एक्सेस पैन इंडिया था, तो ये तो बेचैन हो गए वहां जाके, इन्हें एक्सेस नहीं मिल रही थी, तो रोज रिमाइंडर करें अरविंद जी को मेरे को। तो फिर अरविंद जी ने पूरा अपना मन लगा के इसका ग्लोबल एक्सेस कराया और ये अब ग्लोबली अवेलेबल है। हमारा शो अब ग्लोबल नेटवर्क पर है और मैं तो कहूंगा और भी जो हमारे मित्र बाहर हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहें, उन्हें हमें इनवाइट करना चाहिए। इस सब के लिए मैं वैसे भी अरविंद जी का बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूं। अब डॉक्टर पाल जी के विषय में कुछ और, ये चीफ एडवाइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली हरिद्वार में है, सर्टिफाइड लाफ्टर योगा ट्रेनर है, बताया रनिंग ए योगा एनजीओ फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स 15 ईयर्स और सो, सेमिनार लेते रहते हैं। आप सबका और समय न लेते हुए मैं डॉक्टर पाल मदान जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना उद्घोष प्रारंभ करें, पर इससे पहले एक सूचना, आप सबसे अनुरोध है कि आप पूरे जोश से पार्टिसिपेट करें और अपने वीडियो को ऑन रखें, वीडियो ना बंद करके चाय पिए या चले जाएं, क्योंकि आप सबको पार्टिसिपेट करना है इसके साथ। ये मैं डॉक्टर पाल की तरफ से कह रहा हूं। और इस सब के बाद डॉक्टर पाल से अनुरोध है कि वो जोर शोर से धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी गुजर गई खुशियां बटोरते बटोरते, जिंदगी गुजर गई खुशियां बटोरते बटोरते, बाद में पता चला खुशियां तो मिलती हैं खुशियां बांटने में। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्वाध्याय एंड चिंतन के 187 क्रम में उपस्थित ज्ञानी वे सगुणे सज्जनों को मेरा शत शत नमन, और विशेषकर इस कार्यक्रम के सूत्रधार और मेरे विषय को सार्थक करते हुए, मैं जो कह रहा हूं इस लाइन पे ध्यान देंगे प्लीज, मेरे विषय को सार्थक करते हुए एवर स्माइलिंग मेरे दोस्त एडवोकेट अरविंद शर्मा जी और इस ग्रुप के से, और ये विषय और से विशेष बात है, इस ग्रुप से परिचय करवाने वाले मेरे परम मित्र अश्विनी कुमार जी का मैं तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद।
मैं बात शुरू करूंगा। लाफ्टर इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। आपको कोई लैंग्वेज आती हो या ना भाषा आती हो ना ऐसी आती हो, लेकिन आपको हंसता हुआ बंदा, मुस्कुराता हुआ बंदा अच्छा लगेगा। आप कहीं कोई, आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आप कोई इंग्लिश पिक्चर देख रहे हैं, कोई कुछ किसी और भाषा की पिक्चर देख रहे हैं या सीरियल कुछ भी देख रहे हैं, आपको उस बंदे के हाव भाव से पता लग जाएगा भाई जो बंदा सामने है वो क्या कर रहा है। क्या वो खुशी मूड में है, एंग्री मूड में है, या क्या कहना चाहता है, उसके हाव भाव से पता लग जाएगा। तो लाफ्टर एक शब्द होता है कंटेजियस। कंटेजियस होता है छूत, छूत की बीमारी। हम कहते हैं यार छूत की बीमारी से बचो, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है हम लोग बच रहे हैं तो हम बचते हैं, लेकिन लाफ्टर इज ए कंटेजियस डिजीज माय डियर। इससे मत बचो, इससे बचोगे तो मुश्किल आएगी, इससे मत बचो। इट्स ए कंटेजियस। लाफ्टर इज एन आर्ट ऑफ लाफिंग एंड ए साइंस ऑफ ब्रीदिंग। ये ऐसे बात नहीं है, इसमें और डिटेल में हम चलेंगे। अब एक मैं एग्जाम्पल दूंगा छोटी सी आपको। हम कार के जो वाइपर, इट्स लाफ्टर योगा इज लाइक कार वाइपर्स। कार के जो वाइपर्स होते हैं, जब हम कहीं जाते हैं और घमासान जितनी भी मर्जी बारिश हो जाए, जो वाइपर्स होते हैं वो बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आपको, आपके अंदर एक हौसला देते हैं आपको। आप कम से कम इतने तो संतुष्ट होते हैं, यार मैं कोई बात नहीं, मेरे वाइपर चल रहे हैं, मैं उसमें जितनी भी बारिश आ रही है मैं उसमें आराम से कार चला सकूंगा। उसी प्रकार हमारा जो लाफ्टर योगा है, जिंदगी में आने वाली बीमारियां, उसके मुश्किलें, टेंशन, डिप्रेशन आदि से उसको आप निजात, तो उसको रोक तो नहीं सकता, उसके रीजन को तो नहीं रोक सकता, लेकिन आपको उसके अंदर स्ट्रेंथन करता है, आप उससे अच्छी तरह लड़ सके। तो ये मैंने बात आपको दी, तो यहीं से मैं बात शुरू करूंगा। वी डोंट लाफ बिकॉज वी आर हैप्पी, बट वी लाफ टू मेक अस हैप्पी। हमने इसलिए हंसना है कि हम खुश रहें। तो एक और बात है, फेक इट अनटिल यू मेक इट। आप हंसो, मैं अभी करेंगे, शुरू करेंगे, आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। यू फेक इट अनटिल यू मेक इट। लाफ शुड बी अनकंडीशनल। कंडीशन इसके पीछे नहीं होनी चाहिए। कुछ चुटकुला सुनाओ, मैं अभी इसके आएगा, व्हाट इज लाफ्टर योगा, अभी बात करेंगे। तो क्योंकि इट शुड बी अनकंडीशनल। देन ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरातन समय से चलिए, राजा महाराजों के समय में भी यही चलता था। उनके आगे कवि होते थे, कवियों में भी हास्य कवि होते थे, ताकि राजे का और उनकी जो उनकी जो मीटिंग होती थी उनका मनोरंजन कर सकें। और हमारे पुराने जमाने में बांड होते थे, बांड समझते होंगे शायद, वर्ड कोई कॉमन नाम है, वो लोग एंटरटेन करते थे। इसके अलावा भी मुझे याद है, आजकल तो मैंने नहीं देखा बहुत, लेकिन हम जब छोटे होते थे हम मेलों में जाते थे। जब मेलों में जाते थे, मेलों में जाके एक साइड में जो कहीं वहां लगते थे, वो क्या सर्कस वगैरह लगती थी, उस एक कॉर्नर पे किसी टेंट के अंदर 8-10 शीशे लगे होते थे। शायद आप लोगों को लगभग मेरी उम्र के बैठे हैं, तो उन शीशों के अंदर आप अगर अपनी शक्ल देखते थे तो कहीं आपका चेहरा टेढ़ा, कभी मुंह टेढ़ा, कभी नाक टेढ़ी, कभी हाथ टेढ़े, आपके पैर छोटे वो बड़े आपको नजर आ जाता था। तो दैट वॉज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। वो भी एक लाफ्टर था, तरीका था वहां लाने का। तो आजकल उसका स्थान थोड़ा थोड़ा, जैसे उसके बाद ये नाटक होते थे, कॉमेडी नाटक, थोड़ा सा चेंज होता गया। अब चेंज होता गया तो फिर आजकल ये कॉमेडी शोज आ गए बहुत कॉमन, कपिल का और आदि बहुत अच्छे अच्छे शोज चल रहे हैं। कॉमेडी पिक्चर्स आ गई, ये चला गया, थोड़ी सी शेप चेंज होगी। और उसी शेप में, क्योंकि आजकल जो हमारी भागम दौड़ की जिंदगी है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हर बंदा बिजी है, किसी के पास समय नहीं है। और उस भागम दौड़ की जिंदगी में मैं एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, दैट इज लाफ्टर योगा। वाई लाफ्टर? लाफ्टर तो थोड़ा बहुत बात होगी, वाई योगा हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में आगे करेंगे। अभी वाई इसको लाफ्टर योगा ही क्यों कहा गया। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं थोड़ी सी एक एक्सरसाइज से, और उसके बाद मैं, मेरे पास काफी सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को, मेरे लगभग 25 पॉइंट्स हैं, 25 हो सकता है, इसमें जितने भी डिस्कस हो कोशिश करूंगा। और रविंद्र से, जी से, सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ना हुए तो मुझे फिर मौका दे देंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो सारा खोल लें तो अच्छा लगेगा, बिकॉज इट इज सिलेक्टिव।
इट इज ए कलेक्टिव एक्सरसाइज। तो हमने इसको थोड़ा एक्सरसाइज तो पूरा लेंगे, थोड़ा इसके बेसिक मैं डिस्कस करूंगा पहले, और उसके बाद हालांकि मुझे पहले बताना है व्हाट इज लाफ्टर योगा, व्हाई लाफ्टर योगा, ये वो सोर्सेज क्या आदि, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपका माहौल सा बन जाए बढ़िया। तो आइए हम अपने अपने जहां भी बैठे हैं थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठ जाए, दोनों हाथ सामने कर ले, दोनों हाथ सामने कीजिए। अब आपने श्वास भरना है, एक बार आप देख लेंगे सर, आपने श्वास भरना है एक बार देख लेंगे, यहां रुकना आपने, और जितनी देर इसको रोकना, जब मैं बोलूंगा होल्ड इट, एक मिनट सर देख लेंगे रविंद सर, मैं बोलूंगा होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट, आपने इसको रोकना है। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज आवर लंग कैपेसिटी, हमारे अंदर लंग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो बाहर से हमने ऑक्सीजन ली वो अपना अंदर काम कर रही है। तो हमने यहाँ रोका इसको और उसको आगे, एक मिनट आप प्लीज एक बार आप नहीं करेंगे, तो उसके बाद हम इसको ऐसे छोड़ेंगे और थोड़ा सा आगे झुकेंगे। आपने नोट किया होगा श्वास मैंने लिया, उसको रोका, उसके बाद मैंने मुंह से छोड़ा, बोल करके सीटी करके छोड़ा। इसके भी तीन चार तरीके हैं, ऐसा करने से क्या होता है, आपकी टायर्डनेस कम होती है, आपकी डिप्रेशन कम होता है, विभिन्न बीमारियां ठीक होती है, तो एक तो और लंग कैपेसिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है। इसको भी जिनको बीपी की बीमारी है वो ठीक होती है, जिनको एस्थमा की बीमारी है वो ठीक होती है, दूसरी बीमारियां मैंने छोड़ दी, अब फिजिकल बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके तीन चार तरीके हैं, एक तरीका तो ये है, हाँ जी एक बार सभी करेंगे, आइए मेरे साथ चलिए, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, यस इनहेल होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट एंड एक्सेल, यस वन डे मोर इनहेल एक्सेल, आप जितने भी थके हुए हों, हम कई बार क्या होता है वी बिकम डिसनिक, यानी हमारी सांस फूल जाती है जब हम कहीं सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो जब ऐसे सांस फूल जाती है तो कुछ ना करें, आप आगे झुके ऐसे करके झुके आगे आगे झुके, श्वास आगे छोड़ दे, यस सॉरी टू से, हो सकता है मैं नहीं कह सकता आप में से, या आपके कोई हाइपरटेंशन वाले लोग बैठे हो जिनको बीपी की बीमारी है, आप अपना बीपी चेक कर लें, ओके देन यू एक्सेल इट आउट द वे आई हैव टू एक्सप्लेन इट नाउ फॉर 10 times, आप उसके बाद फिर बीपी नोट करें, इट इज बाउंड टू कम डाउन, ठीक नहीं होगा, लाफ्टर योगा में भी ये बताया गया, वो कहते हैं ठीक नहीं होता, हाँ कम जरूर हो जाएगा, आपका मेंटेन रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, कम होगा, इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आ गया कई बार एस्थमा वाले पेशेंट, इसका सेकंड पार्ट भी सेम है, अब इसको बाद इसी को हम लाफ्टर योगा में लेके जाऊंगा मैं इसके नेक्स्ट में, सेकंड पार्ट आपने क्या करना, एक मिनट जस्ट वॉच इट आउट ओनली वंस, आपने एक बार देखना है प्लीज, इनहेल होल्ड इट, एक मिनट जस्ट एक बार देख लेंगे जी, होल्ड 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 एंड एक्सेल इट आउट, अब आपने क्या करना, मुंह पूरा खोल लेना है, हाँ जी जो जो एस्थमा के बंदे हैं, जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, या ओल्ड एज बंदे, या जिनको होता है, उन्होंने सवेरे उठ के 10 बार श्वास भरे, नाक से श्वास लिया, दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द नेचुरल प्रोसेस, उसमें क्या होता है नाक से श्वास भरते हैं, नाक से लेते हैं, इसमें हमें नाक से श्वास भरना है, मुंह से छोड़ना है,
इसमें हमने मुंह गोल करना है, उसमें गोल किया था इसमें, यस प्लीज आइए एक बारी करेंगे हम, यस इनहेल, hold it and exhale it out by opening your mouth. Thank you. लंबा जितना लंबा आप निकालेंगे उनके लिए, फिर ये सेकंड मैंने जैसे बताया, अगर जिनको हाइपरटेंशन वाले बंदे हैं आप इसको 10 बार करें अगेन, अब इसको हम लाफ्टर के साथ जोड़ेंगे, दैट इज मोर इफेक्टिव. ठीक है, तो होता कुछ भी नहीं है, सारी बात वायु की है, वायु में जब हम लेते हैं तो उसके अंदर प्राण होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जब हम ऑक्सीजन, दो ही चीजें होती है हमारे वेलबींग के लिए, ऑक्सीजन है क्योंकि ऑक्सीजन इज द कैरियर ऑफ ब्लड, अंदर जाती है 80% ऑफ हमारी जो है ना अंदर वाइटलिटी प्राण वो ऑक्सीजन है, बाकी 20% जो है वो फूड है, न्यूट्रिशन है, बाकी खान पान है. तो हमने अंदर लिया, जैसे श्वास भरा हमने, जितनी देर उसको रोकेंगे वो अपना ज्यादा काम करेगा. ओके, इसके बाद हम लंग्स की तीन लोब्स हैं, उसके बाद वहां होगा मैं. अब हमने इसको ज्यादा, जब आप ज्यादा निकालेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया ना कि आप ना कम केवल आपके अंदर से नॉक्सियस यानी कि गंदी गैसें बाहर निकलती हैं, इसके बावजूद भी आपके अंदर डिप्रेशन, दुनिया भर की बीमारियां, टायर्डनेस वो भी कम हो, जैसे मैंने पहले आपको बता भी दिया. अब हम जैसे करेंगे रोकेंगे श्वास यहाँ पे और उसके बाद विदाउट एनी हेसिटेशन हम लाफ आउट करेंगे. यस, एक बार देख लेंगे. यस, होल्ड इट एंड यहाँ पे आके एक बार even without just open your mouth and laugh. अगर आप टंग निकाल लेंगे तो वो मैं अभी बताऊंगा टंग निकाल के कौन सा लोब होगा. सिंपल, आप हंस रहे हैं तो दैट मीन्स आप पूरे लंग्स की आप कर रहे हैं. ठीक है, अब सिर्फ अगर जैसे अश्विनी सर ने जीभ निकाली थी, दैट्स वेरी नाइस प्रैक्टिस, उसके साथ हमारा और भी बड़ा कुछ मिल जाएगा आगे. तो अभी हम इसको दोबारा करेंगे, रादर टू टाइम्स करेंगे, सारा इकट्ठा दो टाइम करेंगे. कलर बहन जी आप भी करो, हाँ जी थोड़ा सा खोल ले कोई बात नहीं, आप भी कीजिए, चलिए आइए. यस, इनहेल, होल्ड इट एंड लाफ इट आउट. अब आपने नोट क्या किया, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जब हम वैसे हंसते हैं, दैट इज नॉर्मल 3 to 5 seconds. जब हम ये हंस रहे हैं तो इसमें आपने टाइम देखो कितना टाइम लग गया, तो अंदर से जितना भी गंद पड़ा है, मलबा पड़ा है, सारा बाहर निकल जाएगा. ठीक है जी, तो आइए एक बार और करेंगे इसी को. आप थोड़ा सा आपने आगे झुकना है, थोड़ा हल्का सा, ताकि जो हमारा जब हम ये डायफ्राम से वहां भी आ रहा हूं मैं, ये हमारा जो अंदर एक डायफ्राम होता है उसका ज्यादा, जब हम ऐसे करते हैं डायफ्राम ऊपर चला जाता है और हमारे लंग्स में उसके अंदर एक्सपिरेटरी जो अंदर रुकी होती है स्टेल एयर वो ज्यादा निकल जाती है. आइए एक बार और. यस, इनहेल, होल्ड इट एंड लाफ इट आउट. यस, आप करें 5 मिनट. उससे पहले अरविंद सर आपको तो देखने की जरूरत नहीं, शीशा आप करें और उसके बाद शीशा देख लें, आप उसका इफेक्ट देख लें क्या होता है. ठीक है, ये हमने कर लिया.
अब एक बात हमने ध्यान रखनी यहाँ पे आगे, मैं उस बात पे मैंने उसको स्टार दिया हुआ, अभी मैं बोल लूंगा। अब हम करेंगे इसका रिलैक्सेशन पार्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं किसी एक मेरे लॉस यमुनानगर में तो वहां गया, तो सुबह क्योंकि गंदी आते उठ के करें घर में क्या, यहाँ भी सब सोए आठ नौ उठ, मैं सुबह पांच उठ जाता हूँ। तो गया तो पार्क में चला गया, तो वहां देखा कि लाफ्टर योगा करवा रहे थे, वो कहिए करिए जा रहे हैं। तो मैंने कुछ बीच में बात बोल दी, वैसे मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। तो हर चीज के अंदर मैं जहां भी मेरी पकड़ होती है, मेरे से अच्छा योग करवाते हैं, ये नहीं मैं कहता मेरे से अच्छा लोग करो, सैकड़ों हजारों योगा सेंटर लाफ्टर सेंटर पता नहीं हजारों ये बने हुए हैं, इसकी जो कंट्रा इंडिकेशन होती है वो पकड़नी चाहिए। मैं उस जो लास्ट पॉइंट 25th है, मैं अभी आके वहीं बोलूंगा आगे, कंट्रा इंडिकेशन भाई किसको नहीं करना है। वो किए जा रहे थे नहीं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जब हमने हमारी बॉडी है, हमारे जैसे लंग्स भी हर चीज है बॉडी, उसको रेस्ट तो चाहिए ना चाहिए। तो अभी इसमें रेस्ट कैसे करेंगे, हम यहां से श्वास भरेंगे, ये श्वास भर लिया और उसके अंदर फिर हम कूल डाउन करेंगे। जिसे शव आसना, जिसे कूलिंग एक्सरसाइज, कूलिंग प्राणा, कूलिंग यानी उसके अंदर जैसे हम आसन करते हैं, योग करते हैं प्राणायाम, उसके बाद हम शव आसन करते हैं, तो ये भी हमारा उसके अंदर एक शव आसन है। तो आइए मैं थोड़े से पॉइंट्स पहले बता दूं। अश्विन सर मेरी तरफ से बोल दो, अरविंद सर बोल दो, बहुत से लोग अभी भी हैं, कोई बात नहीं उनकी मर्जी है, अपने चेहरे नहीं दिखा रहे। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, व्हाट इज लाफ्टर योगा, व्हाई लाफ्टर योगा, बेसिक स्टेप्स ऑफ लाफ्टर योगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कितने कितने हर चीज के स्टेप्स। देन सोर्सेज ऑफ लाफ्टर योगा, बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर योगा, हाउ कैन यू ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड टू लाफ्टर, देन एसेंशियल लिंक बिटवीन योगा एंड लाफ्टर योगा, दोनों में क्या है लिंक क्या है, एंड लाफ्टर योगा एंड साइंस ऑफ ब्रीदिंग, जॉय एंड हैप्पीनेस। मैं मेरी जो भाषा है या मेरा तरीका, क्या नायब साहब आ गए, प्रणाम जी, नमस्कार नायब साहब। मेरा जो मेरा वैसे तो मैं मुझे बड़े पहले बोलना चाहिए था, मेरा जो आज का विषय है वो वैसे भी इस ग्रुप के आगे गौण है। इतने इतने गुणी लोग बैठे हैं, कहाँ के कहाँ वो उन्होंने बता दिया हमें, आनंद की स्थिति में कल पहुँचा दिए, पहुँचा रहे हैं, कलरा जी हैं, पांडे साहब हैं, सिंह साहब हैं, नैब साहब को देख के वैसे ही एक मैं बोल रहा हूँ ना, जो पहले बोल रहा तो आपके लिए नहीं, आपसे बहुत से लोगों के लिए ये मेरा जो मैंने शब्द बोला था, एक शब्द आते ही शब्द बोला था, सार्थक करते हैं मेरे विषय को, सार्थक करते हैं ग्रुप के बहुत से मेंबर। तो आगे मैं चल रहा था, जॉय एंड हैप्पीनेस, बिकॉज जॉय क्या है और हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस कल की बात हुई, जॉय एक जटिल सिंपली बात है। कार आपने ले ली, बच्चे को एक ने टॉय दिया, उसने मांगा, आपने टॉय ले लिया, उसने घंटा दो घंटे शाम तक खेला, उसने फिर उसको दैट वाज ए जस्ट जॉय, उसके लिए खुशी थी। कार लिया आपने, कार मृति आपने ली, कार मृति लेके आप खुश हुआ है, और थोड़े दिन बाद क्या यार अरविंद सर के पास तो बढ़िया कार यार, मैं भी हूँ, मेरी खत्म, मेरा जॉय खत्म, ठीक है। तो दैट इज मोमेंटरी स्पॉन्टेनियस, हमें क्या चाहिए, हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस मिलेगी, मिल आप ले रहे हैं और मैं दे रहा हूं आपको, आप परमानेंट ले रहे हैं, और ये भी एक परमानेंट, जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते रहते हैं। एक थ्योरी थी, एक साइंटिस्ट थे पेवलोक और समथिंग, तो मैं फॉरगॉट द नेम, तो एक साइंटिस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया भाई, कुछ एक घंटी बजाते थे, घंटी बजाने पे वो जो जितने भी उन्होंने छोटे पेट्स रखे हुए थे, कुत्ते रखे हुए थे, आ जाते थे और उनको वो अपना उन्होंने दे देना, रोटी दे देनी उन्होंने, खाना जो भी देना, उनका फीड दे देनी उन्होंने। तो उन्होंने एक बार क्या किया, घंटी नहीं बजाई, तो घंटी नहीं बजाई तो उसके बाद वो आ गए, सॉरी घंटी बजा दी उन्होंने और उनको खाना नहीं दिया, उनको घंटी तो बजा दी, वो सारे आ गए, खाना नहीं दिया, तो जो गैस्ट्रिक जूसेस थे सारे, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग, जो स्क्रीट होने शुरू हो गए, जो सारे गैस्ट्रिक जूसेस थे, बिकॉज दैट वॉज नॉट दिस, कि वो जो घंटी थी ना जो बजाते थे, घंटी उनको गैस्ट्रिक जूस देती थी। सिमिलरली आर इज, वी आर टू ट्रेन आर सेल्फ, ताकि जब भी हम लाफ्टर योगा करें,
हमें जो हैप्पीनेस की स्टेज है वहाँ जो जिस स्टेज पे कल मूल बंध से लेके अज्ञा चक्र मूल चक्र से मूलाधार चक्र से अज्ञा चक्र और डिस्कशन होती रही ऋषि साहब और काला साहब ये बात चलती रही हमारी लंबी चलती रही तो वहाँ ये फर्क है। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है सर वाई पीपल फॉल इल मैंने पहले भी थोड़ा सा बता दिया हम क्यों बीमार होते हैं ये थोड़े से बात इस बात पे बताऊंगा मैं। देन हाउ इट इज बेनिफिशियल टू एल्डरली पीपल एल्डरली व्हीलचेयर्ड लेजी और बेड रिडन पर्सन इस बात में मैं जिक्र करूंगा। जब ऑनलाइन में क्लास लेता था अपने वहां पे अपने शहर में तो मेरे पास 6-7 लोग ऐसे थे जो कि कोरोना से ग्रस्त थे मेरे दो नॉन भी थे और वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन चल रही थी उनकी वुड यू बिलीव उनको मैंने वहां करवाया डीप ब्रीदिंग लाफ्टर योगा। तो बाकी एल्डरी पीपल जो है वो नहीं कर सकते व्हीलचेयर पर्सन बाकी कुछ नहीं कर सकते वॉक नहीं कर सकते एक्सरसाइज नहीं कर सकते मान लो कुछ लेजी पर्सन है छोड़ो यार क्या करनी यार तो कुछ एल्डरली पीपल उम्र दराज लोग हैं वो नहीं कर सकते उनके लिए लाफ्टर योगा है वो चल तो कर तो नहीं है लाफ्टर तो कर सकते हो उनको बेनिफिट मिलते हैं तो ये पॉइंट हो गया यहीं पर। देन हाउ इट इज बेनिफिशियल टू हो गया सॉरी वाई नेक्स्ट इज लाफ्टर इज मोर ऑफ द एक्सेलेशन एंड द एक्सेलेशन मीन्स रिलैक्सेशन एक बड़ा सॉलिड पॉइंट है सो मोर द एक्सेलेशन मोर द रिलैक्सेशन। अब आपने नोट किया होगा जब हम कभी डकार भी लेते हैं कभी उबासी भी लेते हैं तभी हम उसके बाद एंड में जाके हमारी एक उसकी रिलैक्स एक्सेलेशन ज्यादा हो जाती है तो इसलिए जब जितनी हम जो अभी हमने एक्सरसाइज की जितनी हम ज्यादा एक्सेलेशन करेंगे ज्यादा बार करेंगे उससे हमें ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। देन लाफ्टर योगा एंड इट्स थेरेप्यूटिक वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट एक दो बातें मैंने को बता भी दी। ब्रीथ आउट नॉट ओनली नॉक्सियस गैसेस बट ऑल द टेंशन स्ट्रेस एंड टायर्डनेस ये अभी हमने डिस्कस कर लिया ये बात ना कि हमने यस हाउ टू मेक यूज ऑफ ऑल द 3 लोब्स ऑफ लंग्स थ्रू लाफ्टर योगा जो अभी हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम सारा कुछ करते हैं लंग्स की कैपेसिटी लंग जो है हम उसको यूज ही नहीं करते हैं 3 लोब्स होते हैं लोअर लोब मिडल लोब एंड अपर लोब। अपर लोब तो हम जाते ही नहीं है क्योंकि हमारा जो नॉर्मली जो सिडेंट्री लोग हैं वो सिर्फ 0.5 लीटर ऑफ जो उसकी गैसेज हैं वो यूज करते हैं लंग्स की वैसे उसकी कैपेसिटी 6 लीटर तक है तो अभी हम उस तीनों लोब्स को कैसे अभी करते हैं इसका नेक्स्ट पहला वही करेंगे हम सर। लाफ्टर योगा एंड रिलैक्सेशन थोड़ा सी बात आ गई है लाफ्टर योगा एंड मेडिटेशन दिस थोड़ा सा मैंने रिलैक्सेशन बता दिया मेडिटेशन कैसे करनी है देन नेक्स्ट इज इसके एडवांटेजेस एक्स्ट्रा क्या है। लाफ्टर योगा एंड चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस यही इसका विच इज द मेन सोर्स ऑफ लाफ्टर योगा चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस यस लाफ्टर योगा हेड चेंजेस योर फेशियल जियोग्राफी। आओ जी अरविंद सर हमारे 72 मसल्स हैं फेस के 72 मसल्स हैं तो ये आपकी फेस जो लाफ्टर योगा जो है आपकी फेशियल जियोग्राफी चेंज कर देता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक जस्ट पेन या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया यहां रखे जब कंटिन्यूसली थोड़े पीरियड के लिए पेन यहां रखा गया तो ये पाया गया जो जो यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने बाद में देखा भी जो हंसने से जो हॉर्मोन्स आपके सीक्रेट होते हैं ब्रेन के अंदर वो आपके ऐसा रखने से सीक्रेट हो गए तो क्या करें हम लिसन अब बारी बारी कहते हैं ये वाले मसल यानी कि ये मसल जब हम स्माइल करते हैं हल्का सा स्माइल माथे पे त्रिवटियां हो माथे में भारीपन हो माथा थोड़ा अच्छा ना लग रहा हो आप कुछ ना करें आप ऐसे कर दें हल्का चाहे दांत हल्का सा जैसे अरविंद सर के ये सर नायब साहब के और बाकी लोगों का यस यस हल्का ऐसे कर दें इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी जो फ्राउनिंग है तो दूर होगी आपकी जो टायर्डनेस या 12-5 सा
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएगा। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड मेनी मेनी टाइम्स, हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, आप इसे करके देखें। तो अब जो बात चल रही थी जियोग्राफी की, किमें सड़िया जमू बनाया यार, किमें किदा शक्ल बनाई यार, तो जब हम हंसते हैं तो हमारी ना केवल हमारे जो फेस है उसके जो 72 मसल्स हैं उनकी अलग अलग एक्सरसाइज है। तो अभी उसके अंदर हमारे पास वोवल लाफ्टर है, इंग्लिश का वोवल्स है, हिंदी का लाफ्टर है। अभी हम इसके बाद एक आध बार करके अभी एक्सरसाइज आएंगी उसमें करेंगे। जब हम वोवल लाफ्टर करते हैं ए ई आई ओ यू आ ए ई ऊ ये करते हैं तो उसको मिला के करते हैं तो जो सारे जो फेस के मसल हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। ना केवल उनकी एक्सरसाइज होती है, हमारी आंखों की एक्सरसाइज होती है साथ में, ठीक है जी। तो जो नीचे पफी आई है, मुझे भी लगाते हुए कम से कम 50 साल हो गए टू सी के भगवान की दया से, पफी आई शक्ल बदल जाती है। बिकॉज व्हाट हैपेंस जब हम कुछ किस चीज का यूज नहीं करते हैं दैट बिकम्स रूडिमेंट्री, उसकी फिर जब हम मेहनत उतारते हैं तो ऐसी ड्रामली सी शक्ल आती है। जब हंसेंगे ना केवल आप हंस रहे हैं, आपके चेहरे का एक एक मसल एक एक हर चीज आपकी हंस रही है, ठीक है जी। तो इस ऐनक उतार के वो भी हम करेंगे। यस, फोर एलिमेंट्स ऑफ जॉय वो जरूरी है, जो फोर एलिमेंट्स ऑफ जो वो करें। लंग कैपेसिटी कैसे बनाना है हमने अभी बात होगी है, इसकी लंग कैपेसिटी के अंदर जैसे मैंने ये तो थोड़ा सा बाद में बात आएगी क्योंकि 6 लीटर है उसके अंदर कितना कैसे क्या यूज होता है। और उसके अंदर सबसे लास्ट मैंने पॉइंट लिया था कंट्राइंडिकेशन, वो सबसे पहले मैं बताऊंगा हो सकता क्योंकि अरविंद सर पता नहीं कब उसको म्यूट कर दें, तो मैं पहले बताऊंगा व्हाट इज कंट्राइंडिकेशन, यानी किन्होंने नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, प्लीज इस बात को नोट कर लें, हर्निया की जिनको प्रॉब्लम है हर्निया वालों ने इसे नहीं करना, और खासकर एम्बलाइकल हर्निया, स्क्रोटल हर्निया तो सब तरह के, चाहे वो एम्बलाइकल है चाहे इंग्वाइनल है चाहे स्क्रोटल है, हर्निया वाले ना करें जी। हार्ट डिजीज वाले वो ना करें। अब कई लोग आ जाते हैं जी मैंने स्टंट डलवाया था जी, मैंने वो ऑपरेशन करवाया था, बाईपास करवाया था, भैया भाई कितनी देर हो गई, 7 साल, भैया यूर ए नॉर्मल पर्सन, 5 साल 7 यूर ए नॉर्मल, आप तो नॉर्मल है, यू टू टेक केयर, आप नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। देन हाइपरटेंशन, अब हाइपरटेंशन की बात होगी, मैं ये कह रहा हूँ बीपी कम करता है, आप कह रहे हाइपरटेंशन उन्हें करना नहीं है, सॉरी टू से हाइपरटेंशन मींस अनकंट्रोल बीपी, जिनका अनकंट्रोल बीपी रहता है वो ना करें। देन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज टू बी अवॉइडेड, एपिलेप्सी वाले उन्होंने नहीं करना, ब्लीडिंग हेमराइड्स जिनको बवासीर रहती है, खूनी बवासीर एक दो तीन तरह की होती है, ब्लाइंड हेमराइड्स होते हैं, दे कैन डू इट, ब्लीडिंग वाले ना करें। इनको परसिस्टेंट कफ है उन दिनों आप इसको ना करें। किसी को सीरियस मेंटल इलनेस है विद द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर, तो आजकल कह रहे हैं लाफ्टर योगा करो वो करें। और जिनकी रिसेंट सर्जरी हुई फिर वही बात, कह लोगे यार मेरी सर्जरी और कब हुई थी, मैंने लेडीज मोस्टली मैंने 5 साल पहले 7 साल पहले ऑपरेशन करवाया था, यू आर नॉर्मल। तो ये कंट्राइंडिकेशन थी जिन्होंने नहीं करना है, और जिन्होंने करना है करो भाई, हंसो जी सारे जी सर। आइए सर नायब साहब आइए, अब हम करेंगे फॉर द थ्री लोब्स करने से पहले इसको वार्म अप कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, आते नहीं करना चाहिए। आइए हम पहले करेंगे क्लैपिंग, विद द हेल्प ऑफ क्लैपिंग देयर इज वन थिंग यू गेट इंटरनल हैप्पीनेस, अनदर इज ऑल द प्रेशर पॉइंट्स, परसों सर श्रीवास्तव सर आए थे तो आपके सारे प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। चलिए जी चलिए अब हम क्या करेंगे, मैं एक बार मिनट, हा हो हो हा हा हो हो हा हा हो हो हा हा हो हो हा, मेरे साथ करें सर विद माई, मेरे साथ बोल के करें सर, साइड में जाएगा हो हो, यहाँ आएगा हा हा। अब मैं यहीं से एक और एक्सरसाइज कराऊंगा आपको विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, जिनके पेट बड़े हुए हैं ठीक है, जिनका मोटापा है वो कैसे ठीक होगा, इसी से ठीक होगा आपका। ओके चलिए आइए राइट से शुरू करेंगे, हो हो आ आ 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 हो हो आ आ
आपने कर लिया इतना। देखो ऐसे है जी, यहाँ मैंने बेस्ट द ओनली सोर्स इज चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस। ये सारे दोते पोते वाले बैठे ठीक है, तो हम भी लोग इस पर्पज के लिए यहाँ आए हैं जी। तो जैसे अरविंद सर आप उस दिन बता रहे भी तीन साल के पोते लोग मैं पार्क में चला गया जी, तो दैट इज योर नॉट ओनली डोज, दैट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस लाफ्टर योगा। बच्चों के साथ बच्चे बने, जब तक वो नहीं बनेंगे हम कुछ नहीं करते। तो क्या करना हमने, हम करेंगे वेरी गुड ये ठीक है जी। आइए मेरे साथ, इनहिबिशन दूर करें जी। लाफ्टर योगा की डेफिनेशन ये है, एल ए यू जी एच टी ई आर ठीक है जी। तो इसके अंदर सबसे जो यू है, दैट अनलीशेस इनहिबिटर्स ब्रेक्स डाउन बैरियर्स, ये झिझक की दूर करता है। इसका जो डेफिनेशन है, क्योंकि लंबा बहुत हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया। तो आइए हम क्या करेंगे, यस कटे वेरी गुड ये। अब एक बार जैसे गोरे करते हैं वो करते हैं, उसमें हम करेंगे यस यस। चलिए वेरी गुड ये ठीक है सर। तो ये थोड़े से हम वार्म अप हो गए, इसको हम खड़े होके वार्म अप कैसे कर सकते हैं ठीक है जी। हाँ जी, जब यहां थे जहां हम करेंगे ओ हो नीचे हा हा, ओ हो हा हा, ओ हो हा हा, ओ हो हा हा, ओके। पहले हमने क्लैपिंग से किया था, अब हम करेंगे यस। आइए जी, आइए मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरा परिवार, चलिए यस। हो हो हा हा, ओ 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 हो हा हा। चलिए जी, हल्का सा विश्राम, एक मिनट जी, फिर वही बात, वेरी गुड ये। अब इसको हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, अब हम बनेंगे यस यस। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, ठीक है। दोनों तरफ आएंगे हो हो, यहाँ पे तीन बार क्लैपिंग, हा हा हा, हो हो हा। आइए मेरे साथ इस साइड में चलिए, हो हो हा हा हा, 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 चलिए थैंक यू। बैठ जाए जी, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाओ, आज तो आपकी पूरी परेड करवा दी मैं। हाँ जी, तो क्या करेंगे अब आप, वेरी गुड ये करने से क्या होता है, दो पर्पज मैंने बताया, जब तक आप बच्चे नहीं बनेंगे, जब बच्चे तो बनना ही पड़ेगा आपको जी। बच्चे के साथ कैसे करते हम, बच्चा अभी करवाएंगे आपसे भी। चलिए काटा सा खुश हो गया, चलिए तो हम क्या एक बार करेंगे, वेरी गुड ये। चलिए हल्का सा, अब हल्का सा विश्राम कैसे करना हमने, यस ब्रीद इन, ब्रीद इन, और हल्का मुंह से हल्का गोल श्वास छोड़ते हुए, हाँ। अब आते हैं अपनी मतलब की बात पे। इशारा कर रहे सर मुझे, मेरा काम तो नहीं होगा जी आज की क्लास में सर। अरविंद सर क्या कह रहे हैं सर? जी सर जी बताइए। मेरा मेरा एक काम, एक क्लास में नहीं काम खत्म होगा सर, अभी तो स्टार्ट भी नहीं। नहीं मैं क्या सब, मैं क्या घंटी जो घड़ी है वो वार्निंग दे रही है, मैं क्या मेरा एक क्लास में नहीं खत्म होगा सर। नहीं कर लिए और 10 मिनट एक क्लास मतलब, और चलो मैं 10 मिनट में कुछ भी नहीं होगा सर, मैं करवा देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं होगा सर। अगली क्लास में देंगे आपको। चलो कोई, चलो जितना भी करते हैं कर लेते हैं सर।
आइए, क्योंकि फिर पता नहीं अगली क्लास कब मिले या ना मिले, हम एक विशेष काम कर लेते हैं, ठीक है, एक दो एक्सरसाइज कर लेंगे। चलो एक दो एक्सरसाइज, लाफ्टर एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं तीन जो जो मैंने अभी बताया, थ्री लोब्स ऑफ लंग्स, उसके एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर आप भगवान भरोसे। चलिए, हमने एक बड़ी मशहूर, ये मैंने बता ही दिया था अश्विनी सर ने, डॉक्टर मदन कटारिया जी ने 1995 में इसे शुरू किया था विद ओनली फाइव पीपल्स, पांच लोगों ने शुरू किया बॉम्बे के किसी पार्क में, और आज के टाइम पे 116 कंट्रीज में और थाउजेंड्स इसके क्लब चल रहे हैं, थाउजेंड्स क्लब, योगा क्लब भी चले। कल मैंने अपने शहर कैलगरी में जहाँ आया हुआ, मैंने डाला उस ग्रुप में, मुझे मिल गया, मैंने ज्वाइन दैट क्लब और बड़ा अच्छा लगा जी। तो हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी मशहूर सी इनकी एक लाफ्टर एक्सरसाइज वो करेंगे, एक बार आप जब देख लें। तो हमने क्या करना है, आप कॉकटेल लेंगे, कॉकटेल वर्ड आ गया, आप अपनी मर्जी का, कोई लस्सी लेना लस्सी पी ले, कोई शेक जिस रंग मर्जी शेक लेना। हमने क्या, दो गिलास पकड़ेंगे, ऐसे दो गिलास पकड़ के इसको मिलाएंगे, एक बार देख मिला लें, एक बार जब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, अब ये एक जाम बन गया खुशी का, वो जाम बन जाए जी, खुशी का जाम बन गया नायब साहब, ठीक है सर। उस दिन आपने बात पकड़ ली थी, तो मैं ये जाम आपके लिए नहीं कर रहा सर, और झूठ बोलने वाली बात मेरी याद है सर, मेरे को I remember it और आपका जवाब भी याद है। ऋषि साहब आइए मेरे साथ, चलिए पकड़ेंगे और उसके बाद जाम, एक जाम बना के उसको हम जाम पियेंगे और खूब हंसेंगे। चलिए पकड़िए दो गिलास, आपके हाथ लस्सी है, दूध है, जो मर्जी है मिलाएं, आइए मिलाएं, बोल के और पीजिए खुशी का जाम। अब नीचे थोड़ी सी मलाई रह गई है, अब उसको अब हमने क्या करना है, वेरी गुड, दो बार वेरी गुड वेरी गुड, ये आइए चलिए, वेरी गुड ये, वन टाइम मोर, वेरी गुड ये। तो ये आपकी है लाफ्टर एक्सरसाइज। तो एक एक हम और ले लेते हैं, एक हम और ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इसकी एक्सरसाइज तो इतनी है, हजारों बन चुकी हैं आजकल, पहले शुरुआत तो थोड़ी सी हुई थी और बढ़ती जा रही है। आइए हम एक सर्वाइकल, इसके साथ एक सर्वाइकल की एक्सरसाइज लेते हैं, साथ में आपकी सर्वाइकल भी ठीक हो जाएगी। वो आपके वन मीटर लाफ्टर। तो उसको हमारी योगा में भी, उसमें जब कैसे करते हैं, मैं जो वहां करवाता हूँ, एक बार देख लें सर, आप अपना कोई भी हैंड, नजर कौन सा आपको आ रहा है, एक हाथ ऐसे ले लेंगे और अपने अंगूठे की ओर देखेंगे, इसका नाम है अकर्णे धनुरासन, एक बार सर देख लेंगे प्लीज, आप हाथ ले लें, दूसरा हाथ आप यहां रख लें, दूसरा हाथ यहां रख लें और इसके अंदर श्वास भरें पूरा। जब आपने श्वास भर लिया, इसको होल्ड करें, ध्यान में अंगूठे पे रखना है, अकर्णे धनुरासन सर्वाइकल के लिए बहुत बड़ा है, और आपने जैसे जैसे श्वास छोड़ना है, पीछे जाना है और हंसना है। चलिए ओके आइए मेरे साथ, चलिए कोई भी हाथ ले लें, लेफ्ट राइट ले लें, एक ले लें जो आपकी मर्जी है, यस, दूसरा हाथ ध्यान रख लें, इनहेल श्वास भरिए, ध्यान अपना अंगूठे पर, यस पूरा, यस यस, होल्ड इट होल्ड इट, लेफ्ट इट आउट, चलिए दूसरी साइड में। सर्वाइकल के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, सर्वाइकल के लिए, क्योंकि जब हम सर्वाइकल की एक्सरसाइज करते हैं ना, ये वाली, प्लीज एक मिनट, सर्वाइकल के लिए जब भी आप जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड ऐसे करवाते हैं, ओके, तो वहां पे हमें क्या होता है,
ये हम ऐसे कर रहे हैं तो हम वहां रुक रहे हैं, तो अब दो तीन बार ऐसे करें, मल्टीपर्पज काम हो गया, सर्वाइकल की एक्सरसाइज होगी, आपका साथ में लाफ्टर योग हो गया, बीपी आया तो बीपी ठीक हो गया, नहीं तो खुश तो रहेंगे। आइए दूसरा हाथ रखिए यहाँ पर, अपने अंगूठे को देखेंगे, स्वाद भरिए, ध्यान अंगूठे पर, होल्ड इट, रोकिए, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट एंड लाफ इट आउट। वेरी गुड, वेरी गुड, ये चलिए जी हल्का सा, एक मिनट हल्का सा। अब हम इसके बाद करेंगे 3 lobes ऑफ लंग्स, और उसके बाद आज का शायद समय भी खत्म होने वाला है। तो 3 lobes ऑफ लंग कैसे करना है, हमने अपर लोब, अपर जो लोब होता है हमारा, ये क्लेविकल होते हैं ना, ये हड्डी होती है जहाँ पे हंसली हड्डी बोलते हैं, इसके ऊपर तक चला जाए, यहाँ तक चला जाता है, उसको तो कभी हम यूज करते ही नहीं है, नेवर, ठीक है, हम उसको यूज करेंगे विद लाफ्टर। एक बार आप देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो यहाँ से पकड़ के ऐसे, आप यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से जाके इसको पीछे जाके इन्वर्टेड ऐसे, नमस्ते, इन्वर्टेड नमस्ते, यहाँ चला गया आपका, एक बार देख लेंगे सर, एक बार देख लेंगे, यहाँ चलेंगे इन्वर्टेड नमस्ते, यहाँ से श्वास भरेंगे, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, और ठीक है, इसको आप इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन कई बार यहीं से सीधा जा सकते हैं, ओके, चलिए पीछे हाथ ले जाए, इन्वर्टेड पीछे, इन्वर्टेड नमस्ते, इन्वर्टेड नमस्ते पीछे, हाँ यस, श्वास भरे, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट एंड लाफ इट आउट। आगे झुकते हुए जितना हंसेंगे, हाथ वहीं रख लें यहाँ पे, जितना बाहर निकालेंगे, बात वहीं से शुरू हुई वहीं खत्म होगी सर, जितना बाहर गंदगी निकालेंगे आपका फायदा है, लंग्स हमारे एक्टिवेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टेल एयर, गंदगी रुकी बाहर आएगी, डिप्रेशन हमारी ठीक होगी, एंग्जाइटी बीमारियां ठीक होंगी, बीपी आदि ठीक होगा। आइए एक बार और, फिर वहीं रुके, कम से कम 3 बार करना होता है, 2 बार तो आप कर लें, यस, पीछे रखें, लंग्स को, लंग कैपेसिटी बढ़ाएं जी, इम्यूनिटी बढ़ाएं, बॉडी इम्यूनिटी तब बढ़ेगी जब आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ी है, तो यस, चलिए इनहेल, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट एंड लाफ इट आउट। चलिए हल्का सा विश्राम, ये आपने अपर लोब का कर लिया, अपर लोब का हम करते नहीं है, किसी एक्सरसाइज में नहीं होता अपर लोब, तो यूज ही नहीं होता सर। आइए अब हम मिडिल लोब की करेंगे, माउंटेन पोज, हाथ यहां रख लें, हाथ ऐसे रख लें, यस, श्वास भरे, श्वास भरते आप डबल पर्पज हो गया आपके, यस, ऊपर तक जाए जितना जा सकते, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, और आगे आते हुए लाफ करे। यस, एक बार और जी, मिडिल लोब को कर रहे हैं हम, यस, जब हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा करने से हमारे जितने भी जैसे दबाते हैं तो हमारे सारे प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो रहे हैं हमारे। एक बार और, यस, फॉर द मिडिल लोब, यस, इनहेल विद माउंटेन पोज, यस, होल्ड, होल्ड इट, होल्ड इट एंड लाफ इट आउट। श्वास भर ले। सो बाय दिस यू हैव एक्टिवेटेड, मेड यूज ऑफ मिडिल लोब। हमारा नीचे वाला लोब रह गया, अब उसको हम एक्टिवेट करेंगे, देन इट्स ओके एंड गोइंग टू बी ओवर। उसको कैसे करना, हमने उसको हमने एक्टिवेट करना है, श्वास भरेंगे ऐसे, और जब श्वास हमने वैसे श्वास छोड़ा था
अब उसको हमने शेर और शेरनिया बनना है, शेरनिया भी बैठी है यहाँ पे, लेडीज हमेशा शेरनी होती है जी, बंदे बेचारे मर जैसे बंदे के कहने वाला होता है गायक कोई कोई नहीं होता जी, सब सब ऐसे ना ही होता है, बेसिक अल्ट ऐसे होता ना जी, बंदे कहते हैं हम गायक कोई गाय नहीं होते जी, ठीक है ना जी। चलिए अब हमने क्या करना है, ऐसे श्वास छोड़ना है तो जी बाहर निकाली है, ऐनक उतार के हमने ऐनक उतार देनी है, आपकी आई मसल की एक्सरसाइज हो रही है, फेशियल एक्सरसाइज हो रही है, चेहरे पे लेडीज फेशियल करवाने जाती है, मैं क्या हो गया छोड़ो मेरे को पैसे दो से दे, मैं आपको फेशियल एक्सरसाइज करवाता हूँ, चेहरे पे रौनक, चेहरे पे चमक, आंखों की सर आइए, यस अब जीभ बाहर निकालनी सर, किसी साथ जीभ बाहर निकाल के पूरा, यस यस इनहेल, नहीं बाद में सर, बाद में जीभ निकाल लेंगे, इनहेल 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 और बंजो शेर शेर नहीं आए यस। तो ये ना केवल आपके फेशियल के लिए, ना केवल लाफ्टर उसके लिए, चेहरे के लिए, ना आंखों के लिए, ये आपके थायराइड के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जिनको थायराइड प्रॉब्लम रहती है वो करें ये वाली, ये जो अभी हमने लाफ्टर योगा किया, ठीक है। तो एक बार इसे और करेंगे, इसको डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, तो जिसको हमने आफ्टर किया तो, और जिसमें लाइन लाफ्टर बोलते हैं योगा में कराते हैं, उसमें अब करते हैं, इसमें हमें हंस के कर रहे हैं, एक ही चीज है दोनों में, एक बार आप जी पूरी बाहर निकालेंगे, आपके ऐसा ना करने से और बड़े फायदे हो रहे हैं, थोड़ा लंबी बात हो जाएगी, आपके जो ओरल कैविटी है, आपकी टंग की एक्सरसाइज हो रही है, टंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, टंग की टंग करने से उसके बाद और ज्यादा फायदे हो रहे हैं, उसके अंदर आपके जो टेस्ट बड है वो एक्टिवेट आपके हो रहे हैं, ठीक है, अंदर सेल्वरी ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पे आपके थायराइड पैराथायराइड टोन्सिल ये जहाँ पे जितने एक्सरसाइज ये उसकी एक्सरसाइज हो रही है आपके साथ, एक ठीक है। एक बार और करेंगे हम, पूरा निकाल लें, श्वास भरेंगे यहाँ पे, जीभ बाहर खोलेंगे, जीभ बाहर खोलेंगे नहीं, जीभ बाहर निकाल लेंगे, जीभ बाहर निकाल के पूरा हम हंसेंगे एक बार, चलिए मेरे साथ प्लीज आइए, यस इनहेल होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट एंड लाफ इट आउट, काला साहब पै जो कल बैंजी कल रहा बैंजी ऐसा करके नाल दोनों आमने सामने चलिए वेरी गुड वेरी गुड ये वेरी गुड ये थैंक यू वेरी मच जी, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, थैंक यू धन्यवाद जी, थैंक यू धन्यवाद डॉक्टर प्रधान साहब, आज एक नया अध्याय हमारे चैनल पर शुरू हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पॉल को, बहुत आनंद आया, दिन भर बिल्कुल लिथार्जिक बैठे रहते हैं इस समय 50 मिनट एक घंटा तक खूब हंसे और दोबारा से जैसे आमने सामने कोई है नहीं तो हंसने का ही मौका नहीं मिलता, दोस्तों में ही हंस पाते हैं, बल्कि हंसना भूल ही से जाते हैं ऐसा अपने अकेले रहते रहते, बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं योगा करता हूँ, जीभ वाली एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन ये चलते फिरते हंसने के साथ लाफर योगा की जो एक्सरसाइज है इसे मैं करूंगा, विशेष रूप से ऐसे वाली है ये, या ये धनुष करने वाली आपने जो बताई है, सर्वाइकल वाली जो है, ये जो आपने लंग्स की बात बताई है बहुत ही अच्छी है, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभ हुआ और मैं समझता हूँ सभी प्रसन्न होंगे, आपने हंसने का मौका दिया, सिखाया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार, बहुत बहुत आभार। नंबर वन, और आपकी तीन ही चीजों ने बहुत हंसाया, नंबर वन वो जो मलाई वाली बात थी, नंबर टू जो आपने वो शेरनी वाली बताई, गांधिया शेरनिया होंदिया ने पुरसम पंजाबी वर्ड साल तो, और तीसरा शालदा के लिए आपसे बहुत आदर से निशंस करे
तो वो चीजें कि दैट वाज जस्ट टू क्रिएट द लाफ, कि लाफ्टर योगा था, लाफ्टर योगा में लाफ को कैसे क्रिएट किया जाए, हाउ टू मेक द पीपल हैप्पी एंड मेक देम टू लाफ, ये था। और ऑनेस्टली हम मॉर्निंग में टेनिस खेलने जाता हूँ और वहां पे हम लोग 8-10 दोस्त हैं जो आपस में चुहलबाजी बातचीत करनी, आपने देखा मैं वैसे ही बहुत हंसता रहता हूँ, तो वहां भी सुबह खूब हंसी ठट्टा हो जाती है विद एक्सरसाइज आज सीखा है, और विद योर एनर्जी लेवल, विद योर लेवल ऑफ कैलिबर, विद योर आई शुड से यू अंडरस्टैंड द बायो, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, उसकी एनाटॉमी को आपको अच्छे से पता है, तो यू आर द बेस्ट जज हाउ व्हाट द particular things where they are at, rather improving our body. So it was one of the finest, I should say laughing, ek to sanskritik wala hota hum log gaate hain, aaj hum log haste haste apna program kiya, lot of thanks to you, aur Canada mein baith ke aapne itna hasaya, Chandigarh mein hote to pata nahi kya karte. Thank you all sir. Rishi sahab, Rishi sahab, ha sabhi ek ek, yes sir. और क्या कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ, बस यही शब्द है, और समझ गया आपके कॉम्प्लीमेंट का शरीर था, बहुत बढ़िया। और सर जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब जी, जी पाल साहब, पाल साहब मैं ये बोलिए बोलिए, एक तो वो जो कंडीशनर थ्योरी थी ना जिसमें मतलब ये कि बेल बजा करके उनका सलाइवा क्रिएट हो जाता था, कुत्तों को रोटी डाली जाती थी, वो कंडीशनर थ्योरी मिस्टर पावलोव की है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि इनहिबिशन नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए, कई बार लोग झिझक के मारे नहीं अपना पूरा खुल के आते, तो इसलिए अगर कईयों को चाहिए तो कैमरा बंद करके ही चेक करें, पर करें जरूर, स्पेशली लॉयन लाइनस लाफ्टर में पूरे चेहरे की मसल खुल जाती हैं और ये बहुत अच्छी होती है। और मैं अरविंद जी से तो शेयर करता रहता हूँ, मैं 4-5 लाफ्टर योगा टीम को अटेंड करता हूँ बीच बीच में, उसमें फॉरेन की भी हैं, तो वहां जैसे यहाँ वेरी गुड ये, तो मलेशिया में फागुन ये, चाइना में चिंचावा ये, तो ये सब अपने अपनी लैंग्वेज करते हैं, तो मैं बीच में करता हूँ बहुत अच्छा ये, तो अब ये आज का जो सेशन रहा बहुत अच्छा ये, और इसमें इसमें बहुत एक्टिविटीज जोड़ी जा सकती हैं, और अगली बार जो चांस मिलेगा तो ये डॉक्टर पाल मदान को नहीं होगा, पूरे ग्रुप को होगा, हर कोई अपनी अपनी एक एक एक्सरसाइज करवाएगा, तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए क्या कराना चाहते हैं, ए ई आई ओ यू या मा मा मू मू सारे गा मा पापा जो भी है, कुछ भी जोड़ के आप अपनी एक्सरसाइज इन्वेंट कीजिए, आइएगा। तो अरविंद जी से एक निवेदन है कि अगला सेशन रखें, ग्रुप सेशन रखें, जैसे कवि सम्मेलन का होता है, लाफ्टर योगा सेशन विद ऑल पार्टिसिपेशन। और इस सब के साथ मैं डॉक्टर पाल मदान का जो 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 बहुत जोवियल वैसे ही हैं, दिख भी रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सबको रिज्यूबिनेट किया, औरों को भी मैं कनेक्शन भेजूंगा, अरविंद जी को भी ग्रुप नहीं है, तो ये आप और भी शेयर करें अगर कोई चाहें तो, लाफ्टर योगा सेशंस दिन में 2-3 जगह होते रहते हैं, जैसे टाइम सूट करे ज्वाइन करिए, अच्छा लगता है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, डॉक्टर पाल उंगली क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे कुछ कहना चाहते हैं, वो कह रहे भगवान भगवान एक अकेले, भगवान एक है, ईश्वर एक है, बोलने दीजिए। सर सिर्फ एक आदम, ये दिस वाज मीर स्टार्ट प्लीज, इसमें मैंने जो पॉइंट्स बताए उनको कोई डिस्कस नहीं कर सका टाइम की वजह से, जो बीच में जब भी आप सेशन रखें मैं स्टार्ट मुझे देंगे मैं करने, एक जो बात अभी हंस रहे थे हम, अब हम इसको कहें यार अब हंसना तो जब कई बार अलाउ नहीं होता घर में, हालात नहीं होते, अब वहां भी हंस सकते हैं, तो उसमें होता है साइलेंट लाफ्टर, तो अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी मैं हल्का सा उसका देखे फिर सर्जन करेंगे हम, ये मैं ही कर रहा हूँ बस,
तो जुगन लाफ, तो अपने कलर साहब नहीं, वो नायब साहब, फिर अपने शेरियों के साथ भी आप ऐसे ही आ सकते हो, आवाज बंद करके आ सकते हो। आपको अभी हमारी शेरियों के बारे में पता नहीं है। एक पॉइंट और ये हमारे बीच में मिस्टर सूरी हैं, यशपाल सूरी, बहुत सीनियर हैं मेरे ऑफिस के भी हैं और BHEL के पुराने, ये लाफ्टर योगा और मेडिटेशन में कितने सालों से जुड़े हुए हैं और मेडिटेशन विद लाफ्टर आल्सो एक इन्वेंट किया हुआ है, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। तो इसके साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने ये सेशन अटेंड किया और एंजॉय तो किया ही है। धन्यवाद अश्विनी कुमार जी, धन्यवाद डॉक्टर पाल मदन साहब, संध्या का वक्त आइए, ओम कह के अपने संत करें। ओम शांति 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 शांति। शांति शांतिरेव शांति।